हमारे मध्य पंचायत के मुखिया श्री सुमननाथ ठाकुर जी बहुत सुंदर वक्तव्य हमको चलेगा प्रभावित छलखी ना हो और हृदय से बजलखी ना हम अंदाज करे जो मुखिया जी के अपन परिश्रम हमारा नवजुवक लोग रहतन तो ये अपना रीजन में अस्पतालक ये किछ जीर्ण द्वार छल जे अत डॉक्टर के निश्चित रूप से व्यवस्था होबक चाहिए। आई जो स्थिति हमारा हमारा गामक जो स्थिति बनल है आई हमारा गांव में हम अंदाज एखनो करे कोनो महीना एहन नहीं जाइए जैमे दू चारिटा सर्पदंश के पेशेंट भ जाए छथिन हुनका सांप काटि लै छन हमारा मुजफ्फरपुर लऽ जाए में 75-80 किलोमीटर के दूरी पर जाइए। हम चाहतो जेबी में रुपया रह हम अपना आदमी के नहीं बचा पाबे छी कारण जे अत अस्पतालक व्यवस्था नहीं है जो अत ही व्यवस्था नहीं है हमारा पूर्वज के ऊपर भी ठेस पहुंच रहा है जे हमार पूर्वज इस जगह अस्पताल के नाम पर देने छलखिन हमारा समस्त जजुआर वासी के एक एक युवक के आस पड़ोस के बहुत प्रसन्नता भेला हमार पड़ोसी गांव छथिन बिशनपुर ओतो से कुछ लोग एलखिन है बहुत मन आनंदित भेला जी सब गोटे धरना स्थल पर पहुंचलखिन है ते दुआरे आई पहिल धरना के दिवस छे निश्चित रूप से आगू एक दिवसीय है दू दिवसीय हेतै तीन दिवसीय हेतै पांच दिवसीय हेतै आमरण अनशन भी हेतै जब तक ये अस्पताल निश्चित रूप से सुचारू ढंग से चलना शुरू नहीं भ जेतै तब तक हम सब कोनो गोटे आई संकल्प लै छी ई लड़ाई निरंतर हमर सबके चलत रहे। आब और भी वक्तव्य वक्ता छथिन वो अपन अपन वक्तव्य देथिन हम अपना वाणी के विराम दे छी। जय डीहवार जय जजुआर बहुत बहुत धन्यवाद।